नहीं है। आप होते कौन है? आप होते कौन है? स्त्री का अपमान कर रहे हैं। दिक्कत क्या है आपको? संविधान से दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत बताओ आपको? संविधान से हमें संविधान देखिए, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें देखिए, देखिए किस तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र में। आप जानती है प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? সমাজে অনেক মানুষ রয়েছে, তারা চাইছে যে ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হোক। আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য যারা হিন্দু রাষ্ট্র চাইছেন। আজকের ভিডিওটি দেখার পরে তাদেরও মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগবে যে মহিলার নিরাপত্তা কতটা পাবে। এই দেশ সংবিধানে চলে, হিন্দু রাষ্ট্র কিন্তু কোনোদিন সম্ভব নয়। তারপরেও বলছি, যদি হিন্দু রাষ্ট্র হয় অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ তারা রাজত্ব চালাবে, আর তাদের চালা চামচে গুলো মানুষের ওপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালাবে। মুসলমান তো আছেই আছে, তার সাথে শিখ আছে, ঈসাই আছে, তারপরে ওপর জাত নিচু জাতের ব্যাপার আছে। এর আগে আমরা দেখেছি নিচু জাত হওয়ার কারণে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পূজারীর থালা থেকে বাচ্চা ছোট্ট ছেলে বাদাম খাওয়ার জন্য তাকে কিন্তু গাছে বেঁধে পিটা হয়। উঁচু বংশের ছেলের পাত্রতে পানি পান করার জন্য তাকে কিন্তু পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ধরনের ছবি কিন্তু আমরা দেখেছি। এ থেকে নি আপনারা বিচার করুন, যদি হিন্দু রাষ্ট্র হয় তাহলে রাজত্ব কারা করবে? কাদের দপদপানি থাকবে? আর সাধারণ মানুষের অবস্থা কতটা ভয়ঙ্কর হবে? চলুন আপনারা ভিডিওটি দেখুন। দশ টাক ওয়ালে কম্বল ওড় কে সোয়েঙ্গে ইহি মুঝসে বাত করিয়ে ওই হাত ছোড়ো উনসে বাত করিয়ে বাত তে করেঙ্গে বাত তে করেঙ্গে পিছে আও আপ আপ হোতে কোন হ্যায় আপ হোতে কোন হ্যায় স্ত্রী কা পান কর রহে হ্যায় সে দিক্কত কা হ্যায় আপকো সংবিধান সে দিক্কত হ্যায় হিন্দু রাষ্ট্র সে দিক্কত বতাও আপকো সংবিধান সে হামে সংবিধান দেখিয়ে ইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র কি তাসভিরা দেখিয়ে দেখিয়ে কিস তরিকে সে ডমিনেট কিয়া জা রহা হ্যায় হিন্দু রাষ্ট্র মে আপ জানতি প্রাচীন महिलाओं की स्थिति क्या थी? कौन होता प्राचीन काल में बोलने वाले? कौन आप? महिला है? आप महिला है? सवाल आपसे सवाल पूछा। आप जानती है पहला स्कूल किसने खोला महिलाओं के लिए? जी पहला स्कूल महिलाओं के लिए किसने खोला? पानी पीजिए, वहाँ सनातनी का पानी रखा। आप पानी को भी ये लोग सनातनी बता रहे हैं? अपने पैर छूता हूँ, लीजिए। नमस्कार, मैं निधि इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध केस को लेके कैसे कैसे जो अपराध हो रहे हैं उसको लेके लोग यहाँ मांग कर रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि रिपोर्टर्स को भी वो जज करते हैं। अगर उनसे संविधान पे कोई बात करे तो वामपंथी घोषित कर देते हैं, अगर उनसे बेरोजगारी पे भ्रष्टाचार पे बात करें तो वो बात नहीं करना चाहते हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमने बातचीत करने की कोशिश की उन लोगों से, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे जब हिंदू राष्ट्र में पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, पत्रकारों की बात नहीं सुनी जाएगी। और सोचिए यहाँ पे बाकी यूट्यूबर्स भी हैं, उनको किस तरीके से हड़काया जा रहा है, किस तरीके से उनको बोला जा रहा है कि हम वामपंथी विचारधारा वालों से बात नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये संविधानिक अधिकार है, संविधानिक तरीके से सबसे बातचीत करनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट करने का भी, धरना प्रदर्शन करने का भी हमें अधिकार संविधान देता है, तो पत्रकारों को भी सवाल पूछना चाहिए कि आखिर जनता तक कैसे पहुंचेगा हिंदू राष्ट्र, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र ये लोग बनाना चाहते हैं। सुरेश चौहान के कहते हैं कि हम हिंदुस्तान बनाएंगे, भारतवर्ष को हिंदुस्तान बनाएंगे, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पत्रकारों से बात नहीं करना चाहते। उनकी क्या समस्या, उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों आखिर वो पत्रकारों से इतने नाराज क्यों हैं। सर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, हिंदुओं की आवाज है यहाँ पर, तो क्या परेशानी है? आपसे थोड़ा सा कोई बात नहीं, भाई देखिए मीडिया से भी बात नहीं कर रहे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम हिंदू राष्ट्र बनाने की परिभाषा पूछ रहे हैं, लोगों से जानना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या रोड मैप रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह
तरीके से हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें रहेंगी, हिंदू राष्ट्र में रिजर्वेशन क्या रहेगा, हिंदू राष्ट्र में SST/SC माइनॉरिटी के लोगों की क्या स्थिति रहेगी, लेकिन बातचीत नहीं करना चाहते। भाई साहब बात कर लीजिए, पानी रखा है सनातनियों का, पानी पीजिए, पूरा आपका पसीना उसने आ रहा है, तो खाना खा लेंगे, पानी पीजिए, नहीं पानी पी लेंगे, खाना पीजिए, वहाँ सनातनी का पानी रखा, आप पानी का भी धर्म बना रहे हैं, नहीं धर्म का बना रहे हैं, आपने कहा कि सनातनी, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप, आपने कहा, आपने कहा सनातनी, ये देखिए पानी का भी ये लोग धर्म बता रहे हैं, पानी को भी ये लोग सनातनी बता रहे हैं, पहाड़ों पेड़ों को सबका ये लोग धर्म बता रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। हम इनसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं वाजिब कि हिंदू राष्ट्र की क्या दशा रहेगी, हिंदू राष्ट्र में लोगों की क्या दशा रहेगी, क्या कह रहे हैं, नेशनल दस्तक वाले कंबल ओढ़ के सोएंगे यहीं। नमस्कार, मेरा नाम नितीश, आप संवैधानिक अधिकार को खत्म कर रहे हैं। बोलो, देखो की रिपोर्टर है आप, रिपोर्टर जातिवाद क्यों फैलाती हैं आप लोग, कुछ एक सेकंड मैम, आप जातिवाद क्यों फैलाती हैं, मैम नेशनल दस्तक जातिवाद क्यों फैलाते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जातिवाद पे सवाल, मैंने तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही, स्त्री का अपमान कर रहे हैं, ये देखिए स्त्री का अपमान कर रहे हैं ये लोग, स्त्री का अपमान हो रहा है, हिंदू राष्ट्र में महिला का अपमान हो रहा है, हिंदू राष्ट्र में महिला का अपमान कर रहे हैं ये लोग, हिंदू राष्ट्र में स्त्री, आप एक 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 करके सवाल पूछो, एक एक करके सवाल, जातिवाद क्यों फैलाती है, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं स्त्री का धर्म, स्त्री का अपमान, आप अपने पैर छूता हूँ लीजिए, लेकिन आप जातिवाद क्यों फैलाते हैं, एक-एक करके सवाल पूछेंगे, मैं सब सवाल का जवाब दूंगी, जातिवाद क्यों फैलाती हैं आप, हिंदू राष्ट्र, आप जातिवाद, बात करने दो मुझे, आप जातिवाद क्यों फैलाती हैं, आप जातिवाद, संविधान
से लोकतंत्र 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 में लिखा है कि शपथ लेना मना है। आप मीडिया का हिस्सा होकर के खुद मीडिया के सवालों से क्यों मांग रहे हो? तुम लोग बिके हुए पत्रकार हो, बिक चुके हो। बात तो सुनोगे? लोग दलाल हो, दलाल दलाल पत्रकार हो, दलाल। ये लोग बात नहीं सुनना चाहते हैं। तुम लोग की वजह से पहले भी हिंदू राष्ट्र में आप जानती हैं प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति पहले भी प्राचीन काल में सीता माता भी पूजी जाती थी, पार्वती माता भी पूजी जाती थी, और आज भी सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा होती है। दुर्गा काली चंडी की पूजा होती है। तुम महिलाओं की स्थिति पूछने आई हो? तुम गंदे पत्रकार हो, तुम गंदे राजनीति करने आई हो। ये देखिए, ये लोगों से बातचीत करो तो ये लोग भड़क जाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर ये लोग ग्रुप में अटैक करते हैं। ये लोग समूह बनाकर पत्रकारों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते। अगर इनसे बातचीत करो तो ये बदतमीजी पे उतारू जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कैसे गुंडागर्दी करते हैं? और असली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलना चाहिए, क्योंकि ये संविधान हमें आज़ादी देता है। डाइवर्सिटी कंट्री है, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रहार हो। सर तुमसे कुछ नहीं करा, हमारे बारे में बोल रहा था। तुमसे कुछ करा मैं? चलिए चलिए बनेगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकी धर्मों के लोग कहां जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।